इस वक्त की एक अहम खबर की बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी भारती सिंह का कथित वीडियो वायरल हुआ है और भारती सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र नाथ पर गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो में भारती परिवार वालों से बचाने की गुहार लगा रही है। भारती ने कहा है कि उसे चैन से जीने दिया जाए, घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे, मानसिक स्थिति को लेकर भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारती ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है। भारती के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वो घर से गई है, ऐसा 10-20 बार हो चुका है। भारती का यह भी आरोप है कि घर में उसे 10 साल से परेशान किया जा रहा है, मौसी का बेटा सुशील भी उसे परेशान करता है और उसने मारा भी है, इसलिए वो अपनी मर्जी से घर से आई है और इसे जाति का मुद्दा ना बनाया जाए। IBC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। के लड़के के साथ किसी के साथ भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, तो उसको कोई जाति का मुद्दा ना बनाया जाए प्लीज़। मतलब मुझे चैन से जीने दिया जाए, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान ना किया जाए। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ बहुत परेशानी में रह रही थी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ अपने घर वापस जाना। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मैं मानसिक रूप से एकदम ठीक हूँ, ये सब मेरे घर वाले झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक पोजीशन में है तो वो झूठे कागजात इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। चलिए, तो सुरेंद्र नाथ एक ऐसे विधायक जिनसे लगातार विवाद जुड़ा रहा है। एक और विवाद सामने आया है, अब उनकी बेटी ने एक वीडियो जारी किया जिसके लिहाज से वो मानसिक उनकी स्थिति ठीक है लेकिन लगातार घर में उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे दो सहयोगी अलग अलग दो शहरों से जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, तो जबलपुर से हमारे साथ विजेंद्र पांडे हमसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले राकेश आपके पास आएंगे, एक ऐसे विधायक जो हमेशा से विवादों में रहे हैं, चाहे गुमटी किंग होने की बात कही जाए उनके बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है, चाहे वो कमलनाथ की खून भोपाल की सड़कों पर बहाने के बयान के कारण लाइमलाइट में आए हो, एक नया विवाद उनके साथ जुड़ा है। इस पूरे विवाद की बात करें तो क्या कुछ इस विवाद की शुरुआत है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो सुरेंद्र नाथ सिंह है पूर्व विधायक, उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी पहले भी जा चुकी है और वही है कि आज भी गई है। हालांकि जो देखा जाए तो ये पिता और बेटी के बीच विवाद भी हो सकता है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि उनकी बेटी जल्द उनसे चर्चा करेगी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या कह सकते हैं साहब, हमने तो दो तीन दिन पहले जो है मतलब घर से चली गई थी, उसका जो है 4-5 साल से भी कुछ समय से इलाज चल रहा था, तो हो सकता है उसकी वजह से वो, या घर में तो बातचीत में तो होता रहता है विवाद, बहुत सारी चीज़ों का होता है, अब किस किन परिस्थितियों में क्या बोला उसने वो उससे बात करेंगे। वो ये वीडियो में ये भी बोल रही है कि इसकी मानसिक स्थिति ये पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, घर आना नहीं चाहती, तो इलाज कहाँ चल रहा था, क्या कुछ में अभी भी मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं वो मेंटल रूप से परेशान है? हाँ, देखो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही, वरना कोई घर से थोड़ा आता भाई, कोई माँ बाप जो है किसी बच्चे के दुश्मन थोड़ा हो सकते हैं, बच्चे का भविष्य अच्छा हो इसी के बारे में सोचते हैं माँ बाप। कोई घर में ऐसा अभी फिलहाल ऐसी कोई घटना हुई थी कि वो अचानक चली गई? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, क्यों गई ये ठीक है कि भाई लड़की है तो उसकी शादी करना हम लोग चाहते थे, ठीक है ना, कोई हो गया होगा दिमाग में, बात आ गई होगी तो इस वजह से चली गई होगी। मुझसे कहा था कि पापा मैं जिम खोलना चाहती हूँ, ठीक है भैया, उसकी पहले ट्रेनिंग ले लो, तो ट्रेनिंग लेने भी गई थी, कोर्स भी किया होगा उसने, वो भी कंप्लीट होने वाला होगा, अभी घटना हो गई, अब उसको देखते बात करते हैं उससे। अभी अभी कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, अभी भाई 3 दिन से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई ना। कहाँ है बेटी, किस हालत में है, किसके साथ है, कुछ तो जानकारी होगी आपको? अभी तो हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ये हमने वीडियो देखा है। इससे पहले भी जा चुकी है, नाराज पहले भी रह चुकी है? हाँ, वो नाराजी हो गई अपने सहेलियों के यहाँ, भाग चली जाती थी, अपने आप आ जाती थी। ऐसा तो नहीं कि शादी की चर्चा चल रही है, शादी नहीं करना अभी? वो भी रहता है ना साहब,
क्या होता है आजकल बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे शादी करना चाहते हैं, रेट करना चाहते हैं कि हमारा पहले करियर बन जाए, इसी तरह की बातें हैं। और हम लोग चाहते थे भैया कि जल्दी शादी हो जाए। तो अंतिम फैसला तो है बेटी का ही होगा, आप भी मानते हैं? देखिए साहब, क्या है बेटी का फैसला, देखो माँ बाप तो चाहते हैं कि उनके हिसाब से अच्छी शादी हो। देखो हर माँ बाप चाहता है, ठीक। अब अगर लड़की से कोई ऐसी बात होगी तो भाई बात करेंगे। चलिए चलिए राकेश, आप बने रहिए। और जिस तरीके से हम सुरेंद्र नाथ जी को खुद सुन रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी विवाद है उसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, इस पूरे विवाद की बात करें, अब इस विवाद में आगे क्या संभव है और किस तरीके से इस विवाद का खात्मा हो सकता है, क्योंकि लगातार इस विवाद को लेकर अब मीडिया में भी तमाम खबरें आ चुकी हैं। देखिए, पूरा विवाद जो है उसको अगर राहुल देखें, अगर पटाक्षेप की बात करें तो अब हाईकोर्ट के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि भारती सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ले ली है और उस पर एक याचिका फाइल कर दी है और अपने पिता से, अपने मौसा जो कि पुलिस विभाग में है, और अपने भाई से सुरक्षा की मांग की है और साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम की एक जांच की मांग जो है इस पिटीशन में भारती सिंह ने की है। जिस चैम्बर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, यही वो चैम्बर है जहां पर कुछ समय पहले भारती सिंह ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ अंकित सक्सेना जी है जो कि भारती के एडवोकेट है। उनसे मैं जानने की जरूर कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, अभी आपने सुना होगा कि सुरेंद्र नाथ सिंह कह रहे हैं अभी भी कि उनकी बच्ची की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और किसी के बहकावे में आकर वो संभवतः ऐसा कर रही है। क्या स्थिति, आपने पिटीशन में साफ साफ क्या कहा है? मैंने पिटीशन में जो भारती सिंह ने जो बताया है वही मैंने लिखा है और उन्होंने साइन करी है, पढ़ी लिखी है, डिस्टिंक्शन होल्डर है। और मेरे मिलने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान है। और पर परेशानी उनको जो मानसिक रूप से है वो अपने घर वालों से ही है और खास तौर से अपने भाई सुशील से है जिनने उन पे हाथ उठाया और जिस वजह से वो घर छोड़ के भागी हैं। और उनका मेन आरोप यह है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कराना चाह रहे हैं, पहले भी निकल चुकी घर से, तो उनने शिकायत करी थी सीएम हेल्पलाइन में, महिला आयोग में भी करी, पर वो उस समय भी उनको पुलिस वाले ही लेके गए और उल्टा घर पे ही उनको जाके छोड़ दिया, या फिर हजेला हॉस्पिटल के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि वो उधर हजेला हॉस्पिटल ले आके उनको नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे। तो यही मामला है जिसमें उन्होंने याचिका ये लगाई कि मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूं, मैं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूं, चाहे तो जांच करा ली जाए मेरी किसी भी डॉक्टर से, बट इंडिपेंडेंट, नॉट फ्रॉम भोपाल। बेशक जी, बिल्कुल हमने सुना वकील साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके पास मिलने आए और अपने खुद दस्तखत उन्होंने किए और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। बहरहाल देखना ही होगा कि आखिरकार कोर्ट में मामला जाता है तो क्या कुछ इस पर फैसला आता है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।